कान में आवाज का भ्रम होना और मिनिस्टर को मिलना, यह केस स्टडी के बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक लेडी मेरे पास में आई, अंदाज 38-40 की उम्र, और उसको ये बीमारी है कि बार बार कान में आवाज आते रहते हैं, वो उसको बुलाते रहते हैं, विचित्र आवाज है, उसको समझता नहीं क्या लोग बोलते हैं वो, और उसको वो सफरिंग बहुत ज़्यादा है, उससे तकलीफ होती रहती है, नींद नहीं आती, खाना नहीं आता। अभी उसको लगता है कि ये जो आवाज़ है ये आवाज़ बंद हो सकती है यदि मैं कोई मिनिस्टर को मिलती है, तो पॉलिटिकल लीडर, कोई मिनिस्टर, पॉलिटिकल मिनिस्टर मतलब मैं मिलती हूँ तो पॉलिटिकल आदमी को, तो वो निकल जाएगा, मैंने मिलना चाहिए। उसके घर वाले उसको मिनिस्टर को भी मिल के लाए, मिनिस्टर उसमें क्या करने वाला है उसको मालूम ही नहीं, कौन लोग है, क्या है, और वो क्या करेगा मिनिस्टर, और उसको लगता है कि नहीं मैं मिनिस्टर को मिलूँ, और बार बार वही विचार फिर आते रहते हैं। मतलब इधर आवाज़ आते रहते हैं जब आसपास में कोई नहीं है, भ्रम है वो कान का, और ये ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है एक्चुअली, कि कान में आवाज़ होना जब कोई आसपास में नहीं हो, उनको लगता है कोई तभी बातें कर रहा है, कोई बुला रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, कोई मुझे भगवान बुला रहा है या भूत बुला रहा है, कोई आत्मा बुला रही है, या कोई लोग बुला रहे हैं, या फिर लोग मारने आ रहे हैं, ऐसी आवाज़ आती है, पुलिस आ रही है, पकड़ रही है, ऐसे कुछ आवाज़ आते रहते हैं। तो अलग अलग आवाज़ लोगों को आते हैं जिसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। ये जो लेडी मैं बोल रहा हूँ उसको पता नहीं कौन से हेलुसिनेशन है, कुछ तो भी विचित्र आवाज़ आ रही है, और फिर उससे उसको नींद नहीं आती, खाना धकता नहीं है, काम नहीं कर सकती है, फिर थोड़ी देर गोली लेती है वो, गोली से अच्छा लगता है। मैंने जब जब उसको गोली प्रिस्क्राइब किया तो उसको अच्छा लगा, मैं देता हूँ उसको एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक गोली से क्या होता है कि साइकोटिक पार्ट जो है, मतलब कान में आवाज आना, या मतलब पैरानॉइड डिल्यूजन्स है कि भाई मेरे खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश चालू है कुछ, तभी लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, ऐसा लगना, तो ये डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशन है, वो क्लासिकल सिम्टम्स है साइकोसिस के, और वो ठीक हो जाते हैं तो वो ठीक हो जाती है। मगर वो बोलते हैं कि अभी हमको हरदम के लिए इलाज बताओ क्या करना है। तो मतलब भाई ये तो बार बार मिनिस्टर को मिलना, ये पार्ट हो गया एक ऑब्सेसिव का, और इधर काम में आवाज़ हो गया है, वो है स्किजोफ्रेनिया का। तो ऐसा स्किजो ऑब्सेसिव है, इसको इलाज हम करेंगे, अभी गोलियों से फ़ायदा हो रहा है तो गोली चलने देंगे, दवाई चलने देंगे, और नहीं तो फिर हमारे पास में आखिर इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी, मतलब शॉक ट्रीटमेंट तो है, वो इसका भी इलाज कर सकते हैं और उससे फ़ायदा हो जाएगा डेफिनेटली। तो वो बोले ठीक है हम करते हैं। तो मैंने उसको तो अभी लंबे समय के लिए दिया दवाई, और दवाई मेंटेन करते हैं ये लोग तो काफ़ी अच्छे होते हैं। लोग प्रॉब्लम क्या है कि लोग दवाई लेते नहीं है, तो वो ये पक्का पता हुआ है कि केमिकल लोचा हो रहा है, और केमिकल लोचा जो है उससे उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो केमिकल्स बराबर मैंने फीड किए, दिमाग को दिए तो अच्छा हो जाता है, इसका मतलब क्लियर करे कि केमिकल लोचा है। अभी ये दवाई लेना जरूरी है, मगर लोग बोलते हैं हमको साइड इफेक्ट हो रहा है, कितने दिन दवा लेना चाहिए। देखिए ऐसा है कि डायबिटीज़ के व्यक्ति ने कितने दिन दवा लेना चाहिए, ज़िंदगी भर। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो कितने दिन दवा लेना चाहिए, ज़िंदगी भर। तो वैसे ही है, समझो आपको दवा से फ़ायदा हो रहा है तो दवाई ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, क्योंकि दवाई जब जब बंद करते हैं तब तक तकलीफ हो रही है। मगर सब पेशेंट का ऐसा नहीं रहता है, कुछ लोग दवाई लेते हैं ठीक हो जाते हैं, उनको फिर ज़िंदगी भर दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो लोगों को दवाई लेनी पड़ती है और दवाई से यदि मेंटेन हो रहे तो दवाई लेना सबसे अच्छा है, और शॉक ट्रीटमेंट की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।